أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज एक नई वीडियो के साथ आपको मेजबान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम आपको सवाल करने जा रहे हैं फिजिक्स का पीएससी के पेपर बी के लिए जो आता है यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त शेयर करें, पहले के नंबर को प्रेस करना भूल नहीं भूलना। आइए अब अपने लेक्चर ध्यान चलते हैं कौन सा हाइड्रोजनल ऑसिलेटर एप्लीकेशन नंबर वन में है। हाइड्रोजनल ऑसिलेटर हम करते हैं कि एक डिस्क ले ली है जिस जो एक वायर के साथ फिक्स पॉइंट से बांधी गई है और वो घूमती कैसे है इस तरह हॉरिजॉन्टली प्लेन। कंसीडर आ टॉर्शनल ऑसिलेटर, अर्थ करें कि हमारे पास क्या है टॉर्शनल ऑसिलेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। कंसीडर आ टॉर्शनल ऑसिलेटर या एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ इसके ऊपर है एक वायर है और एक डिस्क है। कंसिस्ट ऑफ डिस्क किसके ऊपर है कि डिस्क लगी हुई है उसकी और वो डिस्क किससे बांधी गई है। कंसिस्ट ऑफ डिस्क सस्पेंडेड बाय जो डिस्क है वो किसके साथ बांधी गई है सस्पेंडेड बाय दूसरा हमारे पास क्या है वायर है तो वायर के साथ बांधी सस्पेंडेड बाय वायर एट फिक्स पॉइंट वो कहाँ पे है फिक्स पॉइंट के ऊपर बांधी गई है। उसके बाद ये क्या होता है कि जब फिक्स पॉइंट पे बांधी गई है तो डिस्क क्या करती है द डिस्क रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एंड पी टू आर। तो तब वो क्या कर रही होती है तो पी से क्यू तक जाएगी फिर पी से आर तक जाएगी यानी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चलती रहेगी। तो तब क्या होता है जब वो चल रही होती है तो अप्लाइड टॉर्क लग रहा होता है ना तो अप्लाइड टॉर्क इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना वो जो होता है अप्लाई टॉर्क उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा टॉर्क अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो क्या आएगा इक्वल टू यहां पे के आ जाएगा थीटा। अब के क्या है के कांस्टेंट है वेयर के इज अ कांस्टेंट एंड टॉर्क प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वेयर के इज अ constant and called torsional constant इसको हम क्या बोलते हैं torsional constant बोलते हैं। और बात क्या है कि इसकी जो वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है इट्स वैल्यू depend on length
उसके वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ, उसके बाद डायमीटर कितना है, और आखिर में क्या होगा, मटेरियल आपको है, मटेरियल ऑफ वायर। तो ये तो आ गया अप्लाइड टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क के बाद क्या होता है, जब वायर ये जो डिस्क घूम रही है तो उसके अंदर ट्विस्ट आ रहे हैं ना, तो ट्विस्ट की वजह से क्या हो रहा होता है, वो उसके अंदर अप्लाइड टॉर्क जो होता है वो रिस्टोर होता है। तो ड्यू टू ट्विस्ट इन सस्पेंशन वायर, सस्पेंशन वायर एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्टोरिंग टॉर्क टॉर्क रिस्टोर, अपोजिट टॉर्क रिस्टोर कर देते हैं, अपोजिट टॉर्क रिस्टोर। तो इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क रिस्टोर हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो टॉर्क बराबर हो जाता है, जो उसको आपस में घुमाता है, तो अब क्या होगा इसका ये इक्वेशन के टॉर्क बराबर है माइनस के यानी के थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि टॉर्क बराबर आ जाएगा माइनस के थीटा के, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा माइनस के थीटा। तो आगे फिर क्या होता है कि जब वो घूम रही है इस तरफ जा रही है इस तरफ आ रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया है ना, उसके अंदर इनर्शिया, इनर्शिया की पोजीशन क्या होती है, इस पोजीशन पी से क्यू उसके जा नहीं हुई है, तो फिर वो इनर्शिया की पोजीशन को वापस आई है, रिस्टोरिंग फोर्स वापस खींच रही है। तो जब इनर्शिया की वजह से वो पी पी पे पहुंच गया, तो इनर्शिया की वजह से वो पी पे रुकती नहीं, आगे चल जाती है, तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया टू इनर्शिया इट रोटेट या डिस्क रोटेट करते हैं, इट रोटेट इट मूव फ्रॉम द अदर साइड, अदर साइड दूसरी जानी चली जाती है। सो फिर क्या होता है, सो इस तरह से सो इट इट करता है द रोटेशन and the rotation between Q and R। तो इस तरह क्या होता है कि वो Q और R के दरमियान रोटेशन करते हैं, इधर जाती है इधर आती है, इधर जाती है इधर आती है। तो अब इसको क्या लिखेंगे कि टॉर्क, हमारे पास एक और रिलेशन है जो कि एंगुलर है, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के। अब इसको नाम देते हैं वन का, इसको नाम देते हैं टू का, और इसको नाम देते हैं थ्री का। तो टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, आई अल्फा के। तो उसके बाद क्या करते हैं आप, जैसा कि वहां पे था पीछे सिंपल लेके आई ए एफ इज इक्वल टू एम ए होता था, तो इधर भी वही है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे कि टॉर्क, तो इसकी जो वहां पे एक्सेलरेशन होता था वहां पे डी टू केयर एक्स ओवर डी टी के बराबर था, जहां क्या होगा डी टू केयर ओमेगा ओवर डी टी। तो टॉर्क बराबर है, या इसको हम कंपेयर कर लेते हैं बाय टू एंड थ्री, दो और तीन से क्या बन रहा है, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। अब हम वही अल्फा की वैल्यू को करते हैं कि बराबर होती है
डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर डी स्क्वायर होगा तो अब क्या करना होगा इसमें, डी स्क्वायर थीटा जो आई अल्फा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओ थीटा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रैम तो वो एक्सलरेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा लगाता तो वो तो वेलोसिटी होती, तो वो क्या मतलब फिर रेट ऑफ चेंज या वेलोसिटी जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वी ओवर डी टी बराबर आता है एक्सलरेशन की, इसके वो डिस्प्लेसमेंट डी एस इक्वल टू वी टी और v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो ये वेलोसिटी होती है इस तरह से। अब इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा कि यहां से मैं निकाल लेता हूं डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी एक तरफ, तो इधर से क्या होगा कि माइनस के ओवर आई थीटा। अब इसको मैं तोड़ के लिखता हूं कि डी ओवर डी थीटा डी थीटा ओवर डी डी टी, यहां पे डी टी डी ओवर डी टी इधर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा। अब ये डी थीटा ओवर डी टी किसके बराबर आएगा, ओमेगा के बराबर, तो डी ओवर डी टी ये ओमेगा यानी वेलोसिटी बांध लीजिए इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा। अब उसके बाद क्या करना है, हमने डी थीटा को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाइंग डी थीटा बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं डी थीटा को, डी ओमेगा ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा डी थीटा। तो अब ये डी थीटा ओवर डी टी कर देते हैं, डी थीटा ओवर डी टी और इधर डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा डी थीटा, तो ये बन गया ओमेगा के बराबर। तो अब यहाँ पे ना ये जो हम ओमेगा पुट कर रहे हैं उसको हम ओमेगा नॉट कर देते हैं, ओमेगा नॉट ये भी ओमेगा नॉट और ये भी ओमेगा नॉट, तो ये डी ओमेगा नॉट बराबर है माइनस के ओवर आई थीटा डी थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, इंटीग्रेट इंटीग्रल इंटीग्रल ओमेगा नॉट डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के ओवर आई थीटा डी थीटा, तो ये तो बन गया 1 बाय 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो इधर क्या बनेगा, ये माइनस बाय के ओवर आई और थीटा का इंटीग्रेशन, तो 1 बाय 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब के ओवर आई किसके बराबर होगा, वो भी ओमेगा के बराबर होगा, जैसे वहां पे था के ओवर एम बराबर है ओमेगा, तो हम इसकी जगह ओमेगा लिखते हैं ओमेगा। अब ये बनेगा ही थीटा का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इसको हम इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई, तो इसको हम 4 दे देते हैं और डिजिट 2 इसका नाम 4। उसके बाद हम इसमें से निकालते हैं C का मान, C क्या है, अब C क्या होगा कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन में जाते हैं तो क्या होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा में है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा एम,
और विलास्टी क्या होगी, जो वेब एंगल विलास्टी है वो जीरो हो जाएगी। तो हम इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर देते हैं, 1/2 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मैंने कहा था तो के के थीटा एम का स्क्वायर प्लस सी। अब सी की वैल्यू आ गई 1/2 के थीटा एम का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को ना 5 का नाम देते हैं, इक्वेशन को पुट कर देते हैं इसी को 4 में, पुट 5 इन 4 तो क्या बनेगा, 1/2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई टू, 1/2 के ओवर आई अंडर रूट, और एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के थीटा एम का स्क्वायर। तो इसमें से देखेंगे 1/2 दोनों में कॉमन है तीनों में, तो उसको कैंसिल, थीटा का ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का, तो ये बराबर आ गया, ये माइनस का है तो हम इसमें से जो कॉमन आ रहा है के के ओवर आई कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेते हैं के ओवर आई अंडर रूट। तो बाकी ये जो है एक्स का स्क्वायर माइनस में है और थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर माइनस में है और थीटा एम का स्क्वायर जमा में है, तो हम जमा वाला पहले लिखेंगे थीटा एम का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। तो उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू यहां पे अंडर रूट अब है कि अंडर रूट के ओवर आई, अंडर रूट के ओवर आई इनटू ये भी अंडर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। तो यहां भी आपने थीटा नहीं लगा, ओमेगा नहीं लगाना बल्कि के ओवर आई लगाना है, क्योंकि थीटा जो होता है ओमेगा जो होता है अंडर रूट के ओवर आई के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया है थीटा नॉट इज इक्वल टू, अब इसकी जगह ओमेगा रूट लगा देंगे, थीटा एम का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो आ गई है ये आपकी एम का वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। This is the equation of the relation of velocity of torsional oscillator. तो ये किसकी है, टी यूनिट टोर्शनल ऑसिलेटर की वेलोसिटी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो होते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कैसे निकलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इसी की वजह नंबर 6 को ले लेते हैं कि ओमेगा नॉट बराबर है, अब इसकी जगह के ओवर आई लगा देते हैं, के ओवर आई अंडर रूट थीटा एम का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे कि डी थीटा ओवर डी टी। अब इनकी जगह निकाल लेते हैं कि डी थीटा इसको इधर ले आते हैं ओवर अंडर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर आई अंडर रूट इधर से डी टी इस तरफ आ जाएगा डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट किया डी थीटा ओवर थीटा एम का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट बराबर है इंटीग्रेट के ओवर आई अंडर रूट डी थीटी। तो ये बन गया माइनस कॉस इनवर्स थीटा ओवर थीटा एम, और इधर बन गया ये जो k है ये कांस्टेंट बाहर आ गया अंडर रूट t के लिहाज से लिया तो यहां पे t स्क्वायर बाय 2 आ गया प्लस 5 t स्क्वायर नहीं सिर्फ t है क्योंकि t इधर खड़ा ही नहीं है 1 के इंटीग्रेशन t होगा विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये t आ गया। तो आप इस माइनस को तरफ ले जाएंगे तो cos इनवर्स
थीटा और थीटा एम इक्वल टू माइनस अंडर रूट के ओवर आई टी प्लस पाई, इसको पाई का नाम दे दें। तो अब क्या होगा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं और कॉस को उतर हो जाए, तो थीटा और थीटा एम बराबर है कॉस माइनस के ओवर आई टी प्लस पाई। तो कॉस माइनस को क्रॉस करता है तो कॉस के ओवर आई अंडर रूट टी प्लस पाई। अब हम जानते हैं कि के ओवर आई अंडर रूट जो बराबर होता है वो होता है ओमेगा के, तो ओमेगा टी प्लस पाई का नाम ले लीजिए। इधर साइड है थीटा ओवर थीटा एम, तो थीटा किसके बराबर बनेगा, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, तो ये सेम कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ या रिलेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये किसका रिलेशन आ गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलते हैं, वो भी सिंपल इसी तरह है कि हम इक्वेशन नंबर 7 का डायरेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कहते होगा कि इस इक्वेशन को लेंगे 7 को थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे क्या लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7, तो ये 7 है ना, यहां से उठा दो डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू टी डी थीटा और डी टी इज इक्वल टू ये थीटा एम कॉस इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, तो यहां माइनस आ गया पहले साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ओमेगा आएगा जो हम यहां लगा देंगे। उसके बाद इसका नाम लेते हैं आर। अब लिखेंगे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 8। अब 8 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा और डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या होगा, तो ये माइनस पहले खड़ा है वैसे, अब ये ओमेगा वैसे खड़ा रहने देंगे, ये थीटा एम साइन का होता है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी से बराबर होता है एक्सेलरेशन के एंगुलर एक्सेलरेशन के, तो यहां पे हम अल्फा लगा देंगे बराबर आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर, और इस पोर्शन को हम कितने क्या बोला था थीटा बोला था। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है एंगुलर एक्सेलरेशन का, यहां भी एक्सेलरेशन लगा लें तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन है क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ऐसा वक्त वो वक्त जो किसी बॉडी को या प्रोटॉन ऑसिलेटर को दरकार है एक इक्वेशन कंप्लीट करने, टाइम टेकन बाय ऑसिलेटर। Oscillator to complete its one oscillation called time period. इसको हम time period का नाम देते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है,
इसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा बराबर किसके किया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू कहां नीचे थी के ओवर आई, तो अब क्या होगा 2 पाई आई ओवर के अंडर रूट, टी की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई आई ओवर के। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपल सा है, इसका नाम क्या ये क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड का फ्रीक्वेंसी, इट इज द टोटल ऑफ, अब फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है कि ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, इट इज रेसिप्रोकल पर ऑफ टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, तो टी एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी आ जाएगा 1 ओवर टी, तो यहां पे टी की वैल्यू क्या लिखी है 2 पाई 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट आई ओवर के आई ओवर के, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर आई, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ये सारा सारा पर आपने इस तरह से करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो आप उसमें